दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है जिन लाभार्थी, यो काम हमने किया है। आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को के कपिल पटेल दिखता है, नीलेश सामरे हर घर घर में नोटबुक से माध्यम से घर दिखाए। हाँ अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे हमारा वो ऑफिस रहेगा, हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास है, 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हमारा गाँव 70 किलोमीटर है 60 किलोमीटर वो Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available, the only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus articles processed. At Alight Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Baghi Firdaus Masjid, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बेगम, तो बहुत सबका स्वागत है। जिस तरह हम कहते हैं कि भिवंडी शहर में AIMIM पार्टी में फूट पड़ी हुई और वो आज फूट जाहिरी तौर पर नजर आई है, वो इस तरह से कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से AIMIM कैंडिडेट अकरम खान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग आज बगावत करके जो अपक्ष उम्मीदवार है नीलेश सामरे, जिनका निशान है सिलाई मशीन, आज उन्हें समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये उम्मीदवार हमें पसंद नहीं है और इस वजह से जो उनके जो हम कहेंगे कि एक खाली गुड्डू के समर्थक के जो लोग हैं और उनके जो ग्रुप है वो लोग नीलेश सामरे को समर्थन दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं MIM में इतनी बड़ी फूट है कि वो अपने आला कमांड के लिए नहीं खेल रहे हैं और वो ऊपर से जो पार्टी के ऑर्डर आए, कह रहे कि जो पार्टी ने बी फॉर्म जिसको दिया है, जिसे कैंडिडेट बनाया आधिकारिक तौर पर जिसे कैंडिडेट बनाया है, उसे भी वो नकारते हुए दूसरे पक्ष का काम करें। अब यहाँ पे ये देखना है कि नीलेश सामरे कितनी तेजी से जो है भिवंडी शहर में अपना धनाधार बढ़ाते जा रहे हैं, वो एक के बाद एक पार्टी कहे या एक के बाद एक संगठन के जो है वो अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये एक देखने वाली बात, एक सोचने वाली बात है कि एक अपक्ष उम्मीदवार जो इतनी तेजी से इस चुनाव में आगे जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीलेश सामरे जी की भी साथ देनी होगी। साथ ही साथ में अब MIM पार्टी किस तरह से नीलेश सामरे को सपोर्ट करती, किस किन किन शर्तों पर ये समर्थन हुआ है, वो आइए देखते हैं। क्या कहेंगे आज नीलेश भगवान सामरे जी के साथ में आप यहाँ पर मंच पर बैठिए, क्या पूरा मामला है, मेरे बारे में बताइए। मामला देखिए, इलेक्शन अपने इस पे है, उरुज पर है और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ कल, तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सामरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सामरे साहब करेंगे और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पर मांग रहे, वो अपने काम पर मांग रहे, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सामरे साहब का समर्थन किया। पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? जी पार्टी देखिए, आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदार हैं, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है,
एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो आकरम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे हो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा, ये आकरम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए आपके पार्टी ही एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, आप उनको ना समर्थन देते हुए जिजाऊ संगठन को समर्थन देते हैं, पार्टी में फूट नजर आ, पार्टी में फूट है, क्या आपको समर्थन देने का किसी प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर आया है? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो MIM के जो कैंडिडेट आपने दिए हैं वो कैंडिडेट निहायत ही काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े उसमें 658 वोट पाए उन्होंने, और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुक ही नहीं रही है, वो पता नहीं रात के अंधेरे में क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है, वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे? आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं हुआ, ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे कि वो वोटर बनेंगे तो MIM का काम करेंगे। आप अपने कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर जो है। बिल्कुल सही बात है, हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है ना कि पार्टी को, हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। उन्होंने ये टिकट किया जी, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है, हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कॉन्टेक्ट नहीं किया गया, ये चंडाल चौकड़ी जो है वहाँ पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में BJP में नहीं जा सकता उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए, हमने वो कर दिया, हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर एक नंबर पे चल रहे तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको एक नंबर पे लाया जाए, ये खालिद गुड्डू साहब जो हमारे MIM के सदर थे उन्होंने 44,010 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से, अभी पूरब और पश्चिम में इनके हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने अगर किस प्रकार का एक्शन लिया जैसे आपने कहा कि पार्टी ने आपको ऐसा कहा है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर पार्टी इस पर कुछ प्रकार का एक्शन लिया तो क्या आप MIM नहीं देखिए ऐसा है MIM को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी तो हम उसका जवाबदेही है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें मैं उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था, वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और उसी में सब बिजी थे, हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया, मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? बिल्कुल आपने समर्थन दिया नीलेश सांबरे को, हमने 3 चीजों से बात की है, पहली शर्त ये है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे, उन्होंने उसको यस कहा, उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे हैं, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करें, और तीसरी अहम चीज है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी वो MIM को समर्थन करेंगे। देखा जाए MIM को BJP का बी टीम कहा जाता है, आपका कैंडिडेट देखा जाए तो हम क्या मानते हैं वो वाकई बी टीम है, ये उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा। किन्होंने? हाँ तो जाने दो, कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है, वहाँ तो सेकुलर के सारे पुढ़ारी बैठे हैं ना, हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी को पहले कहाँ पे हमको समर्थन दिया हैदराबाद में उन्होंने, तो हमने यहाँ पर कांग्रेस में जाएंगे बाद की बात है, वो जीतेंगे इंडिपेंडेंट, भारत देश के अंदर ऐसे कई मिसालें हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर गए हैं। मेरा एक सवाल है, आपने अभी अभी 3 ऑप्शन पे इनको समर्थन दे रहे हैं,
समझ गया, मैं बोलिए ये जो समर्थन आपने तीनों अक्ष जो रखे है ये आपका पर्सनली जो है कि आपका जो है कि इनको शर्त है नोटरी करके लिया जाएगा सामने बैठे हैं, सामने पूछ लीजिए क्या बोले शहर के नाला सफाई ऐड कर अच्छा वो भी ऐड करेंगे लेकर के आप समर्थन दे रहे हैं आप अपने पार्टी के विकास को लेकर के आप पार्टी का समर्थन दिया गया है जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल जी जाऊ का काम देख के कल भी राष्ट्रवादी के दो नगर सेवक लोगों ने अपने समाजवादी के दो नगर सेवक ने ले लिया प्रवेश ले लिया परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक माजी नगर सेवक अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहाँ से वेस्ट में जाके के परेशान होकर फ़ोन किया था कि भिवंडी की हालत अपने को सुधारने के यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। ये इस भिवंडी में मैं साइकिल पर घुमाऊँ, इस भिवंडी में पीछे रखे ये SBI के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसके उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा तो इसके साथ मेरा लगा हुआ है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजिशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क के सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, MIM को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सेक्युलर थे सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है क्या 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 सवाल पूछे, कॉर्पोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। सामने साथ एक सवाल बाजार गरम है और जैसे देखा जाए कि कुछ लोग आपको समर्थन देते हैं और अगले दिन जो है वो वापस मुकर जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि तेजी से जो है बदलाव हो रहा है शहर के अंदर, एक पार्टी को समर्थन दो अगले दिन दूसरी पार्टी में चले जाओ? मेरे को तो मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अभी ऑफिस में अकेले तपस देता हूँ ऐसा कोई हुआ है क्या। राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी से। एक सवाल सर ये है कि जनता का सवाल है कि क्या सामरे साहब 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या वो भिवंडी शहर में खास कर उनसे मेल मिलाप करना रहेगा तो कैसे? दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है जिन लाभार्थी, जो काम हमने किया है आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को के कपिल पटेल दिखता है, नीलेश सामरे हर घर घर में नोटबुक से माध्यम से कर दिखाए। हाँ अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे हमारा वो ऑफिस रहेगा, हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास है, 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हैं हमारा गाँव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार, ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूं मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद खाली 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे से साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबके हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना, तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ मेरा ये वीडियो सब कट करके रख दीजिए, मैं हर बच्चे को मेडिकल डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट पे 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे है अभी आपको मालूम है कि मुसलमान समाज में कोई चीज नहीं है क्या, अपने अब्दुल कलाम जी थे, कई एक्टर है, कई क्रिकेटर है, इतने अच्छे है, लेकिन भिवंडी में कोई देखता नहीं कि हमारे में गुण है, हमें खाली यूज करते हैं मतदान के लिए। तो सब अपने को चेंज करने हैं, अपने बच्चे कलेक्टर होना चाहिए यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों के, SP होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अपने भिवंडी के हर नागरिक को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, फिर सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लाके यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करे, यहाँ की दीदी रोजगार के लिए उधर नहीं जाएगी गोडाउन पे, ये मेरा शब्द है, यहाँ पे मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा। लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखने का, 50 बाजू में है ना 20 किलोमीटर, उसको कपिल पटेल को किसी ने देखा है क्या, भिवंडी का हालत उसने देखा है क्या, बाल्या मामा ने देखा है क्या हालत है? तो ऐसा लंबाई से ये नहीं था, भिवंडी जनता जो काम करता है उसको पसंद करती है। मेरे साथ में अल्पसंख्यक बाल्या मामा ने क्या किया अल्पसंख्यक के लिए और कपिल पटेल ने क्या, हमने एक तो आरोग्य क्लिनिक खोला है 15,000 के ऊपर हमारे दीदियों को रोजगार उपलब्ध किया है,
कौन बोलता है हमारे पास नहीं है, साथ नहीं है आपकी लड़ाई? नहीं, हमारी लड़ाई ना, हम लड़ाई से बहुत आगे निकल गए। हमारा दावा है कि हमको 6.5 लाख वोट मिलने वाला है, 2-3 लाख में वो रहेंगे तो उनके साथ थोड़ा लड़ाई, दोनों मिला के भी हमारा वोट ज्यादा रहेगा। अभी तो MI में 7 लाख और वोट बढ़ गई। वंचित बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रहार है। एक चीज आयला, 18 तारखेला आपकी सभा है ना, दीपक? अभी 18 तारीख को अपना रैली है और रैली के साथ सभा भी है। सभा में आज प्रकाश जी आम्बेडकर साहब आ रहे, कल बच्चू कडू साहब आ रहे। 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक मंडई के अंदर सभा है। प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सदर है वो खुद आ रहे, तो बहुजन समाज भी पूरा जुड़ा है। और दूसरी एक बात मैं आपको आज ऐलान कर देना चाहता हूँ कि आज जिजाऊ के पूर्व में 3 और पश्चिम में 3 नए कार्यालय का भी ओपनिंग होगा। ओके, थैंक यू।